कैसे आप अच्छे होंगे। परीक्षा घड़ी जो जो नजदीक आ रही है तो हमारे दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं, दोगुनी होती जा रही हैं। इसी के लिए लगातार कुछ बीटीसी सिविल पुलिस मोर्चा के आईटी सेल प्रभारी राजवसु जी ने हमसे आग्रह किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे अभ्यर्थी हैं जिनको गणित में समस्या आ रही है। तो मैं अब एक घंटे का एक गणित का विश्लेषण वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। आप अगर आपको बेहतर लगे तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जिन विद्यार्थियों को जिन अभ्यर्थियों को गणित में समस्या आ रही है वह इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं पूरा सिलेबस का अंत में विश्लेषण कर रहा हूँ। दोस्तों आप सभी अपने सामने अब गणित का सिलेबस रखें यूपीटेट का, और मैं एक तरफ से मैं रिवीजन करके मैं पूरा डिफाइन कर दे रहा हूँ सिलेबस। दोस्तों जो पहला है वह है जोड़ घटाना गुणा भाग। अब प्रश्न उठता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग में कैसे प्रश्न आएंगे। दोस्तों जोड़ घटाना गुणा भाग में जो प्रश्न आते हैं वो एकदम इजी होते हैं, लेकिन उसमें यह तरह से प्रश्न बनाएगा, यदि राम और श्याम के पास मिलाकर 120 रुपया हो तो हो और मोहन के पास 35 रुपया था तो राम के पास कितना था। तो यह प्रश्न है, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग दोनों मिलाकर है। राम और श्याम के मिलाकर 120 रुपया था, यदि राम के पास 35 रुपया था तो श्याम के पास कितना था। तो दोनों के योग में से राम का हिस्सा निकालेंगे, बचेगा श्याम का हिस्सा। अथवा जोड़ में इस तरह से प्रश्न आ सकता है, राम के पास 150 रुपया था, उसने अपनी रकम से 30 रुपया राधा को, 20 रुपया मोहन को, 15 रुपया सोहन को दिया, अब राम के पास कितना बचा। तो इस तरह क्या करेंगे, जितना उसने दिया जोड़ के कुल में से घटा देंगे तो जो बचा हुआ हिस्सा मिलेगा। तो यह भी एक तरह से आपका प्रश्न होगा। और अगर मान ली कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे कह दिया 430 प्लस 365 का, दे दिया 430 प्लस 365 का सन्निका योग का सन्निकट मान होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें विकल्प दिया रहेगा। जैसे दे दिया ये हो गया आपका 5 6 3 9 3 3 6 4 3 7, ये एक विकल्प दे दिया। ए बी में दे दिया 695, सी में दे दिया 700, डी में दे दिया 800। अब का इसका लिखित का सन्निकट मान होगा, ठीक, क्या होगा सन्निकट मान, ये दे दिया 795, 695 और 700, सी में, डी में दे दिया 800। तो 430 का सन्निकट मान होगा, वैसे योग किसका आएगा 795, लेकिन सन्निकट मान पूछेगा, इसका क्या होगा 800। तो सन्निकट मान से प्रश्न आपका आएगा। दूसरा, इसमें एक नियम यूज करता है बोधमास। बोधमास आप जानते होंगे, ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन, माने अगर हिंदी में से कहे तो काको पहले काट दे ता करिएगा भाग, गुणा करे धन जोड़ दो, अंत में लियो घटाए। आप जानते हैं ना बोधमास का रूल, बोधमास, तो ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सबट्रैक्शन, तो ये बोधमास का जो रूल है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह सरलीकरण से प्रश्न जोड़ घटाना गुणा भाग में एक ही में आपका आ जाएगा। यह अगर समझ ना गया होगा तो बेहतर है, इसे हिंदी में कहते हैं का को पहले काट दे ता करिएगा भाग, गुणा कर धन जोड़ दे, अंत में लियो घटाए। अब अगला जो आपका अध्याय है जो सिलेबस का है वह है आपका लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन। इसका मैं ट्रिक बता देता हूं, यदि लघुत्तम निकालना, देखिए आपको अगर लक्ष्य निकालना LCM, LCM का फुल फॉर्म आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो LCM अगर आपको ज्ञात करना है तो प्रश्न दे देगा कि वह बड़ी से वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 18, 25 और 12 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। जब कोई संख्या देंगे छोटी छोटी पूछे उसका उत्तर क्या आएगा, बड़ा सा बड़ा आएगा, मतलब जब छोटी से छोटी देगा तो लस निकालना है, और पूछेगा बड़ी से बड़ी क्या है तो मैं से ज्ञात करेंगे। यह बात आप याद रखिएगा, यदि छोटी छोटी पूछेगा तो लस और बड़ी से बड़ी पूछेगा तो मैं से। लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12, 20 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे, तो करेंगे क्या लस निकाल देंगे। लेकिन जो लस होता है, जो एलसीएम होता है, उसमें दी गई संख्या से भाग देंगे, भागफल पूरा लग जाएगा, तो उसमें करते क्या है जो शेष बचन कहेगा वह उसमें जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे, तब जब जब भाग देंगे तब तब आपका शेष रिक्त बच जाएगा। दूसरा प्रश्न,
फिर कहता है कि पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 12, 20 और 25 से भाग देने पर पूरी तरह भाग लग जाए। तो पांच अंक अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया तो पहले उसका एलसीएम निकालेंगे दी गई संख्या का। फिर कहा पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी बड़ी संख्या लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 99,999 इसमें दिए गए एलसीएम से भाग देंगे, जो शेष बचेगा जो शेष उसी को घटा देंगे, प्राप्त संख्या क्या होगी उत्तर। जैसे इसको भाग दिया अगर 39 से 39 से घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। उसी में शेष बचने कहेगा जोड़ देंगे, यदि यह कहेगा कितना जोड़ दें, पांच जोड़ दे तो वह पूरी तरह विभाजित हो जाए, पांच घटा दे, जोड़ने कहेगा घटा देंगे, घटाने कहेगा तो जोड़ देंगे। इस बात को आप समझ लीजिएगा। और हाँ, यदि कह देगा कि वह पांच अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी इसे 20, 15 और 25 से भाग देने पर पूरी तरह भाग लग जाए, कुछ नहीं करना है, पहले हम इसका लसा निकालेंगे, लसा निकालने के बाद पांच अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो पांच अंक की सबसे छोटी संख्या है वह कितनी है आपकी, एक लिखने के बाद चार जीरो दे दीजिएगा, एक लिखा 1, 2, 3, 4 जीरो दे दिया। अब इसको जो भी एलसीएम आएगा उससे भाग देंगे, जितनी बार भाग फल जाएगा उसमें एक जोड़ के इससे गुणा कर देंगे, वही प्राप्त उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि छोटी छोटी संख्या पूछेगा पांच अंक की तो एलसीएम से भाग देंगे, जितना भाग फल जाएगा उसमें एक जोड़ के एलसीएम से गुणा कर देंगे, प्राप्त उत्तर ही आपका आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया। चलिए और इसमें से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वह आता है कि यदि एक दो संख्याओं का लसर 36 हो और मैसर 8 हो या मैसर 4 हो तो उस पहली संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो उसका एक ही नियम है, आप जानते भी होंगे, उसका नियम है लसर गुणे मैस, लसर गुणे मैस बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणे दूसरी संख्या। माने में कह सकते हैं लसर गुणे मैस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए कभी कभी कह देता है यदि किसी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और लसर इतना है तो मैसर क्या होगा, मतलब इसका मतलब है दोनों संख्याओं का गुणनफल, लेकिन दे दिया लसर गुणे मैसर बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल माने लसर और मैसर का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यह आप जानते रहिएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो प्रश्न आता है वही पूछा जाता है, भिन्न पे आधारित प्रश्न होते हैं। जैसे दे दिया 3/4, 9/16, 27/64 का ये भिन्न दे दिया, कह दिया का मैसे ज्ञात करें। देखिए मैसे ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो जब भी भिन्नों का मैसे पूछेगा तो याद रखिएगा अंश का हम निकालेंगे मैसे, अंश का क्या निकालेंगे मैसे, और हर का निकालेंगे लस, माने अंश जो होगा उसका एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे, माने जो पूछेगा उसका अंश, जो नहीं पूछेगा उसका हर। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लेता इसका लसर क्या होगा फिर इसका उल्टा वही कर देंगे, इसका पहले लसर एलसीएम ऊपर वाले अंश का निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकाल देंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे इसके भिन्नों का लसर और मैसर हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता, और पूछता है कि दो संख्याओं का योग इतना हो यदि मैसर इतना हो तो लसर क्या होगा, ये विकल्प से आप गुणनखंड बना के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या कि यदि किसी संख्या से भाग दिया जाए प्रत्येक दशा में इतना से बचे तो करते क्या है, पहले संख्याओं घटा लेते हैं, अंतर्गत समान आ रहा है तो फिर उनका लसे निकाल के उन्हीं संख्याओं को जोड़ देते हैं घटा देते हैं, आपके सामने उत्तर हाजिर हो जाता है। इस प्रकार लसे मैसे से इतने ही क्वेश्चन आने हैं। अगला जो अध्याय आपका वह है भिन्नों का जोड़ घटाना और गुणाभाग। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणाभाग मैंने बताया आपको पहले ही कि भिन्न का जोड़ घटाना क्या होता है, देखिए ऊपर हंस होता है नीचे हर होता है, इसका मैंने वीडियो डाला अगर आपने देखा होगा। तो जोड़ घटाना में करते समय अंश पहले हरों को समान करते हैं, हर समान करने के लिए एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम में हर से ही भाग देते हैं, हर में जितनी बार जाता है भिन्न के अंश से गुणा करके लिख देते हैं, जोड़ना तो जोड़ देते हैं घटाना है तो घटा देते हैं। भिन्नों को गुणा करते समय अंश अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है, लेकिन अंश हर अगर विभाजित हो रहा है तो संख्या से विभाजित करके छोटा कर लिया जाता है। भाग देते समय जब भिन्न का भाग देते हैं तो दाईं तरफ जो संख्या होती है वो भाग से गुणे बदल के अंश का हर, हर का अंश में बदल जाता है। जैसे दिया ए बटे बी डिवाइडेड भागे सी बटे डी, ये क्या होगा, ये गुणे बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, ए बटे बी
बाई तरफ का जो होगा तो रह जाएगा, दाई तरफ का क्या हो जाएगा गुणे हो जाएगा डी बटे सी, और ऊपर गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे होगा बस। और इसमें आता है भिन्नों का आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाना, तो आरोही क्रम अवरोही क्रम सजाने का मैंने आपको ट्रिक बताया है, आप देख लीजिएगा। एक विधि है हर समान करके, जो उसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, यह तरीका है। बाकी यदि भिन्न का मैंने बताया देख लीजिएगा ट्रिक, भिन्न का पकड़ने का तरीका कि लसम भिन्नों में छोटे भिन्न बड़ी भिन्न को कैसे ज्ञात करते। और एक क्वेश्चन आता है यदि किसी खंभे का, जैसे ये कोई खंभा दे दिया या कोई पाई दे दिया, इसका एक बटे तीन हिस्सा कीचड़ में, एक बटा चार हिस्सा पानी में धसा हुआ है, यदि इसका 12 मीटर हिस्सा बाहर है, जैसे इस हिस्सा बाहर है, खंभे की कुल लंबाई क्या होगी, कुल नहीं कुल लंबाई माना एक था एक था, इन दोनों को जोड़ के एक में से घटा देंगे, एक से घटा देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, ये बचा हुआ खंभा आपका आया, माना बचा हुआ खंभा 12 मीटर है, इन दोनों को जोड़कर एक में से घटा देंगे, जितना आएगा उतना गुणे एक्स बराबर 12 मीटर पूरे खंभे की लंबाई आ जाएगी, इससे ज्यादा लसा इसमें नहीं पूछता। यहाँ पूछेगा एक पिता अपने कुल धन का एक बटे तीन बड़े बेटे को, शेष का 2/3 भाग, तो शेष कहेगा तो घटाते हुए चलेंगे, अन्यथा यदि कह दिया एक पिता ने अपने बड़े बेटे को अपने धन का 1/3 हिस्सा बड़े पुत्र को, 1/4 हिस्सा छोटे पुत्र को, शेष हिस्सा अपने पुत्री को दे दिया, यदि पुत्री को दिया गया धन 1200 रुपया था, कुल धन क्या था, इसी विधि पे वह भी लग जाएगा। पिता दोनों बेटों को जोड़ के एक में से घटा देंगे, बचा हुआ हिस्सा किसको मिला, पुत्री को मिला, और पुत्री बराबर 1200 रुपया, तो जितना आएगा उतना गुणे x बराबर 1200 रुपया, x की वैल्यू माने पिता की कुल आय हो जाएगी। इस प्रकार आपका भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हो सकता है अगर आप लोग को बेहतर लगेगा तो आप बताइएगा, मैं रात 1 बजे पुनः लाइव आ जाऊंगा, जितनी भी समस्याएं होंगी मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। और आगे आपका दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, इसको मैंने एक वीडियो बनाकर डाला, फिर भी आप देख लीजिएगा। दशमलव क्या होता है, किसी संख्या के दाईं तरफ दशमलव लग जाता है, तो दशमलव जो पूछता है उसमें जो पूछता है स्थानीय मान, स्थानीय मान और एक होता है प्लस वैल्यू, एक होता है फ्रेश वैल्यू, तो दशमांश होता है, शतांश होता है, हजारांश होता है, तो जो जो दशमलव के दाईं तरफ बाईं तरफ बढ़ते हैं उतने अंक पे बटा लगता जाता है, वो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। दशमलव का जोड़ करते समय दशमलव नीचे दशमलव लगाते चलिए, जैसे 4.3 + 43.5 + 874.5 इसी को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, 4.3 है, फिर दिया है कितना 43.5 फिर 478.5, ये देखिए दशमलव नीचे दशमलव कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ते हैं जो आंसर होगा वही आपका उत्तर होगा, घटाना है घटाना भी ऐसे घटा देंगे, भाग है भाग भी, गुणा है तो गुणा, गुणा करते समय सिंपल तरह से गुणा करेंगे, अंकों में कुल जितना दशमलव होगा उतने पे भाग गुणनफल में दशमलव लगा देंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अब देखिए शांत और सात दशमलव कैसे लगाते हैं, शांत और सात दशमलव समझ लीजिएगा। अब जैसे ले रहा है 1/3, अगर इसको दशमलव मत लेंगे क्या हो जाएगा 0.3333 की लगातार पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसको लिखते हैं 3 के नीचे बार लगाते हैं 0.3 पे बार, इसे दशमलव में भिन्न बदलना, इसको लिखेंगे 3/9 कट जाएगा 1/3, माने किसी भी संख्या पे अगर बार लगा है तो उसका बटा क्या लिखते हैं 9 लिख देंगे। जैसे अगर दे दिया जैसे आपका 0.4 पे बार लगा, इसका मतलब हो गया 4/9, 0.43 पे बार लगा, इसका मतलब हो गया 83/99। ठीक, जैसे दे दिया 4.3 पे कुल बार लगा, ध्यान दीजिएगा 83 बार नहीं है केवल 3 पे बार है, क्या लिखेंगे 43/9, 3 का बार 4 पे बार नहीं लगा इसका 0, जिस संख्या बार इसको घटा देंगे 4 तो जाएगा 39/90। क्या किया मैंने 43/90, 90 क्यों लिखा, इस पे बाद लगा उसका 9, जिस पे बाद नहीं लगा उसका 0 लिख दिया, जो संख्या 12 लगा उसको घटा दिया, तो 43/90 काट के छोटा कर लीजिए, ये हो गया आपका। और अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है मान लीजिए जैसे 3.45 पे बांट दे दिया, कुछ नहीं करना है 3 = 45 - 4, 4 क्यों 4 पे बाद नहीं लगा 90, तो 41 3 = 41/90 उत्तर आपका, तो आप आसानी से आप शांत और शांत दशमलव को लगा सकते हैं। भिन्न में आरोही क्रम और अवरोही क्रम आता है, मैंने जो पढ़ा भी दिया है, और
अवरोही क्रम के साथ साथ सबसे छोटा सबसे बड़ा भी पूछता है, दशमलव में सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा है। अब उसे जीरो लगा के उसके हर को दशांश में बदल के आप उसको उत्तर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और दशमलव में जो प्रश्न आते हैं आपके, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग का घटित आते हैं, उस पे भिन्न पे आते हैं, और शान दशमलव असान दशमलव पे आते हैं, और मापन का जो चैप्टर होता है वो भी दशमलव के साथ इंक्लूड करके पढ़ लिया जाता है। और अच्छा, संख्या पद्धति में कुछ चीजें छूट गई जो मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह दो होती है, और एक से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य याद कर लीजिएगा, एक से लेके 25 है याद रखिएगा, एक से लेके 75 से, एक से लेके 50 तक, एक से लेके 25 तक, बिल्कुल कितने अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है। नौ क्या है, नौ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए स्वयं के अलावा, उसे भाज्य कहते हैं। चार एक से कटेगा, चार से कटेगा, दो से भी कटेगा, चार सबसे छोटी समभाज्य है, सबसे छोटी विषम भाज्य नौ है। नौ तीन से भी कट जाएगा और नौ से भी कट जाएगा और एक से भी कट जाएगा, तो नौ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। और दो अभाज्य है, दो क्या है अभाज्य, और दो एकमात्र सम अभाज्य है, दो एकमात्र सम अभाज्य है, जैसे तीन विषम अभाज्य है, दो के बाद जितनी भी अभाज्य संख्या है सब विषम है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू का मान जीरो न हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, और पी सदैव एक पूर्णांक है। और पाई क्या है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई क्या है, पाई स्वयं एक अपरिमेय, पाई किसे कहते हैं, इसी वृत्त के परिधि और जो व्यास का अनुपात होता है उसे 22/7 कहते हैं। क्या कहते हैं, 22/7 कहते हैं, 22/7 किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 होता है, इसे ग्रीक भाषा के पाई से निरूपित करते हैं जिसका मान 22/7। पाई स्वयं तो एक अपरिमेय होता है जबकि पाई का मान परिमेय संख्या होता है जो 22/7। पाई का दूसरा मान 3.142 एक का मान ज्ञात करके फिर जितने संख्या का मान दे उसका पूछा। जैसे कह दिया कि डेढ़ दर्जन केले का मूल्य, डेढ़ दर्जन केले का मूल्य 36 रुपया हो तो 5 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, फिर लिखेंगे 1 सही 1/2 दर्जन बराबर 36 रुपया, माने 1 दर्जन बराबर 12, तो 1 सही 1/2 माने 3/2 × 12 बराबर 36 रुपया, तो निकालेंगे माने 18 केला बराबर 36 रुपया, 1 केला बराबर 2 रुपया। पूछा है 5 दर्जन, 1 दर्जन में 12 केले, 5 दर्जन में 18 × 95, 90 केले का मूल्य बराबर 90 × 2 कर देंगे 180 रुपया, आराम से निकालेंगे। माने एकिक नियम क्या है, किसी का ढेर सारी संख्या का वैल्यू देंगे, एक का पहले निकालने के बाद जितने के दिया उतने से गुणा कर देंगे, आपका जाएगा एकिक नियम। अब तो हम लोगों ने देखा, तो अब देखते हैं एकिक नियम बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अब आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एकदम बारीकी समझिएगा, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, साधारण ब्याज में प्रश्न क्या देगा कि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण या 1000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा या मिश्रधन क्या होगा, इसकी वीडियो मैंने डाली है, देख लीजिएगा। साधारण ब्याज का एक सूत्र उसी में सरल लिख जाएगा, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर, माने साधारण ब्याज बराबर इसी लिख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे बटा 100। इसी फॉर्मूले में पूरा अध्याय आपका आराम से लग जाएगा। अब साधारण ब्याज अगर आपको दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जो गति रख देंगे, चाहे जो भी प्रश्न पूछेगा उससे हम आसानी से लगा देंगे, ठीक बताइए। अब आगे देखते हैं हम लोग साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन में बोल रही आपको बता देता हूं। तो साधारण ब्याज हम लोगों ने देखा, इसे कह दिया कि 1000 रुपए धनराशि 3 सही 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो जो गति और रख लीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, बस अब जो आएगा वो आपका साधारण ब्याज होगा। मिश्रधन पूछेगा तो मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, मिश्रधन होगा। हाँ एक क्वेश्चन उलझा देता है, उलझाता क्या देख लीजिएगा, जैसे कह दिया कि कोई धनराशि या 5000 रुपए धनराशि मोहन ने सोहन से 12 तारीख
12 जनवरी 2018 को लिया और वो इतने तारीख को जमा किया। जब दिनों वाले प्रश्न आए तो थोड़ा सा गलती हो जाती, गलती क्या होती देख लीजिए उसको, उसमें उत्तर क्या आएगा, जैसे 12 मार्च से लेकर पता नहीं कोई अप्रैल तक दिया है, ठीक, या अप्रैल या मई जून तक दिया है, तो कुल कितना दिन होगा, तो जो दिन आता है आपको कितना आएगा। अगर कभी जोड़ने घटाने में गलती हो रही थी 73 दिन आएगा या 146 दिन आएगा या 73 दिन आएगा या 146 दिन आएगा या 219 दिन आएगा या 73 दिन चाहे 146 दिन चाहे 319 दिन आएगा, चाहे 300 कितना आएगा, 373 जोड़ेंगे कितना आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9, 9, 3, 12, 7, 1, 8, 9 292 आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये देखिए क्या क्या आएगा, या तो 73 दिन आएगा या 146 दिन आएगा या 219 दिन आएगा या 292 दिन आएगा, और 365 दिन एक साल होता है, इस दिन को साल में बदलने के लिए 365 बटा कर दीजिएगा, बस आसान है, क्योंकि जो साधारण ब्याज लगता है उसकी जो ब्याज की गणना होती है वह सदैव वार्षिक होती है, बस आप काम खत्म। क्यों, और ये 73 से कट जाएगा सर, इसीलिए ऐसा देगा जो 73 से कट जाए, जैसे आपका जोड़ने में 72 आ रहा है या 74 आ रहा है, तो जब आए तो समझ लीजिएगा या तो 73 होगा या 146 दिन होगा या 209 दिन होगा या तो 292 दिन होगा, ये होगा दिनों की संख्या। साधारण ब्याज ज्ञात करते समय यह आपको ट्रिक काफी मददगार साबित होगा। और आगे बढ़ते हम लोग, साधारण ब्याज प्रश्न आता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने की दोगुना हो जाती है, कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने की दोगुना हो जाती है और कितने वर्षों में अपने की 4 गुना हो जाएगी, या इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आए हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, T1 बटे T2 पहला सम बटे, ऐसे ही हो गया ना, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1, पहला गुना माने 1, दूसरा गुना माइनस 1। क्या रहा है, कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाती है, मैंने 2 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1 पहला गुना बटे दूसरा गुना माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 गुणा कर देंगे 5 बटे 3 15 बराबर T2, तो T2 बराबर 15 वर्ष, माने वह धनराशि अब 15 वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। कभी कभी देता है कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से या 5% साधारण ब्याज की दर से अपने का 3/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर की गणना कीजिए। कुछ नहीं है, बस लिख देंगे कोई धनराशि अपने का, अपने माने मूलधन का, टी का 4/3 गुना होती है, माने 3/4 गुना कर देंगे, फिर पक्षांतर कर देंगे, आपको मिश्रधन और मूलधन मिल जाएगा, ब्याज निकाल के ब्याज की गणना कर लेंगे। फिर कभी कभी देता है कोई धनराशि तीन वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 रुपया हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए या मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, अब क्या करेंगे, कह रहा कोई धनराशि 5 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाती है, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष में 625, 3 वर्ष में 575, तो घटा देंगे 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज 50, 1 वर्ष का काट देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया, अब किसी में मान लग दीजिए, बस अब इसमें 3 वर्ष का ब्याज सम्मिलित है, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया, 3 वर्ष का 75, 575 से 75 का कितना बचा 500, मूलधन 500, बस दर निकालना है, तो बस फॉर्मूला रख देंगे, साधारण ब्याज बराबर 25 रुपया साधारण ब्याज, मूलधन रह गया 500, दर पता नहीं, समय 1 वर्ष, पूरे का बटा 100, 0 कट गया, 5 कट गया 5, तो आर बराबर 5, इसका दर जो निकलेगा वो हो जाएगा 5%। ठीक, ये था आपका साधारण ब्याज का प्रश्न लगाने का तरीका। और आगे आप लोग वही नियम है, साधारण ब्याज का मूल, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय का बटा 100। और आगे देखते हैं अगला चैप्टर क्या, आपका अगला अध्याय है आपका ज्यामिति प्रमेय, ये मैंने बता दिया, इसकी वीडियो मैंने क्यों डाली है, फिर से देख लेते हैं। ज्यामिति में से जो प्रश्न आते हैं वो एकदम इजी आते हैं, उसमें पूछेगा कोण किसे कहते हैं, कोण में पूछा जाता है कि पांचों कोण का नाम आपको पता होना चाहिए, उसमें पूछता है कोटिपूरक और संपूरक,
कोटिपूरक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। माने जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं, जिनका योग दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 30 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, 30 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कोटिपूरक का कोटिपूरक कितना होगा 30 अंश का 60 अंश, कि दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए, 90 में से घटा देंगे आ गया 60। 50 का कोटिपूरक 40, 40 से कोटिपूरक 50, 42 से कोटिपूरक 48, तो यह है आपका कोटिपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर सप्लीमेंट्री पूछ दिया, जैसे पूछ दिया संपूरक कोण कितना है, जैसे पूछ दिया 72 का संपूरक कोण क्या है 180 से घटा दीजिए बस कम खत्म, या कोई कोई कोण अपने के 4 गुना से 2 कम, कोई कोटिपूरक है कोण का मान ज्ञात होगी, माना कोण x था 4 गुना 4x माने 2 बराबर 90 बराबर, वही ये क्वेश्चन पूछा यूपीटेट का, कोई कोण अपने 4 गुने से 2 कम कोटिपूरक है कोण का मान 4x माइनस 2 बराबर प्लस 2 बराबर 90 2 अधिक है, 4 गुने से 2 अधिक है कोटिपूरक, तो 4x प्लस 2 बराबर 90, 4x बराबर 90 माइनस 2, 4x बराबर 88, x बराबर 22। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह तो पूछ दिया गया तीन समकोण और एक से एक बटे दो समकोणों का योग क्या होगा, तीन समकोण माने एक समकोण बराबर 90 अंश, तीन समकोण बराबर 9 × 3 = 27 270 अंश, और एक से एक बटे दो समकोण बराबर डेढ़ समकोण माने 4590 135 और 270 जोड़ने कितना होगा 405 अंश, बस आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं आप आसानी से लगा लेंगे, अथवा कोण का मान ज्ञात करना, देख लीजिए कोण का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि किसी एक ही सरल रेखा पे कोई भी कोण बना हो उनका योग क्या होगा 180 अंश सदैव होगा, याद रखिएगा। जैसे दे दिया ये 50 अंश दे दिया, ये 70 अंश दे दिया, कि ये कितना होगा 60 अंश, 7 5 12 120 अंश, और पूरा 180 होता है कितना होगा 60 अंश, क्योंकि एक सरल रेखा पे जो कोण बने होते हैं उनका योग सदैव 180 अंश होता है। ठीक, और आगे देख लीजिएगा, फिर एक आता है क्या कि ये कोण होता है, क्या होता है सीसा विमुख कोण, सीसा विमुख कोण हमेशा में क्या होते हैं हमेशा बराबर, अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये 50 50 है, इन दोनों का 180 होगा, ये होगा 130, ये होगा 130, तो सब सीसा विमुख कोण आमने सामने आपस में बराबर होते हैं। फिर समानांतर रेखा किसे कहते हैं, जब दो रेखाओं के बीच में समान दूरी हो, वो एक दूसरे किसी बिंदु पर परिच्छेद ना करे, ऐसे रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिरक छेदी रेखा परिच्छेद करे, मान लीजिए रेखा L और M क्या है एक दूसरे के समानांतर है, अरे तिरक रेखा मान लीजिए P है, क्या करती है परिच्छेद करती है, 8 कोण बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण बनेंगे, ये 8 कोण क्या होंगे, जैसे ये इसे कहते हैं देखिए कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, ये संगत कोण होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, इसे क्या कहेंगे संगत को, ये संगत कोण कहें या भाई संगत कोण, ये देखिए कोण 4 कोण 8 के बराबर, कोण 3 कोण 7 के बराबर, देखिए यह कोण और यह कोण बराबर, यह कोण और यह कोण बराबर, इसे क्या कहते हैं संगत कोण कहते हैं। ठीक, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर आता है देखिए यह दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, किंतु इन दोनों कोणों का योग सदैव क्या होगा 180 अंश होगा, यह भी आप जानते रहिएगा, यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिर आता है त्रिभुज, त्रिभुज जानते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति का सरल आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज के तीनों एक त्रिभुज में क्या होती है तीन भुजा, ये त्रिभुज हो गया किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज हो गया किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन शीर्ष तीन, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं, कैसे देखिए ये ए बी सी तीन शीर्ष, ए बी बी सी सी ए तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीन भुजाएं तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है, कितना होता है 180 अंश, क्योंकि दो कोणों जैसे अगर दे दिया इसका दे दिया 50 अंश इसका दे दिया 70 अंश, इसका कितना आएगा 60 अंश, 7 5 12 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। यदि किसी भी त्रिभुज को अगर बाहर तक बढ़ा दिया जाए तो इन दोनों कोणों का योग के बराबर ये बाहर कोण होगा, जैसे 7 अगर ये 50 अंश है और ये 70 अंश है, 7 5 12 इस कोण का मान कितना होगा 120 अंश होगा, इस रेखा को बाहर कर देंगे तो इन दोनों का योग होगा ये त्रिभुज के बाहर कोण का योग होगा। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर तीन प्रकार कौन कौन होते हैं देख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
फिर रहता समद्विबाह त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाह विषम बाहु नाम से स्पष्ट हो रहा तीनों भुजा अलग अलग डिफरेंट हो। अब आते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तीनों अंत कोणों का योग 180 होना चाहिए। फिर और आगे आते हैं, दूसरा तरीका क्या आपका त्रिभुज। फिर आते हैं समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 अंश का हो, दोनों कोणों का योग 90 अंश हो, मानी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान 180 अंश और एक कोण 90 अंश का हो, समकोण कहते हैं। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगता है, जो होता है समकोण त्रिभुज में एक कण एक लंब और एक आधार होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मानी कर्ण पे बने कर्ण बने भुजा के वर्ग का योग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है या पाइथागोरस वैज्ञानिक ने इसे दिया था, इसलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। और त्रिभुज से ज्यादा प्रश्न नहीं आना है आपका। और अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ सकता है तो देखिएगा, विषम त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है परिमाप, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे उसको वही होता है किसी भी त्रिभुज का परिमाप। तो उसका जो फॉर्मूला है लिख लीजिएगा, लिखाने के पहले यस यस क्या होता है, सेमी पेरिमीटर। सेमी पेरिमीटर क्या होता है, मानो भुजा ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया परिमाप, बटे दो कर दिए परिमाप का आधा हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में यस तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल हो गया। और अगर संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उसका लिख लीजिएगा, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर अंडर रूट 3/4। और अगर संभव त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो ए कड़ी में 3/2, ये इसकी ऊंचाई हो गई और उसका क्षेत्रफल हो गया संभव त्रिभुज का ज्ञात करने का। और आगे बढ़ते हैं, अब आता है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का विकर्ण कड़ी में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, और उसका परिमाप क्या होता है आयत का, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया आयत का परिमाप। जैसे कह रही किसी खेत की चारों तरफ 5 रुपया प्रति मीटर की दर से 3 चक्कर बाड़ लगाने खर्च किया होगा, तो ये हो गया परिमाप। उसका परिमाप निकाल के गुणे खर्च कर देंगे आ जाएगा। खेत में मिट्टी बिछवानी है, सड़क बिछवानी है, उसका क्या कर देंगे आप निकाल लेंगे। अब खेत के अगर रास्ता बना है चारों तरफ, ये खेत है, माने ये आयताकार मैदान है, ये है 15 मीटर, ये है 10 मीटर, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अगर बाहरी तरफ बना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आधे 15 है, तो ये 2 इधर कितना हो गया, 2 इधर 2 इधर बढ़ गया 4, 19, फिर ये हो गया 10 इधर 2 इधर 12, ये हो गया 14। माने बड़े के क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल निकाल देंगे क्या बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। रास्ता क्या होगा, -15 × 10। बस इसी तरह अंदर पूछेगा तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। और चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछ दिया तो इसका परिमाप निकालेंगे, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे, आपका निकल जाएगा चार दीवारों का क्षेत्रफल। और आगे बढ़ते हैं, वर्ग पे आते हैं। वर्ग का भी आसान है, वर्ग ज्ञात कर लेना है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, सभी अंतर कोणों का योग 360 अंश का हो। अब ये हो गया ठीक। अब क्या करेंगे, इसका जो है परिमाप भुजा गुणे चार, की चारों भुजा आपस में समान होती है। फिर और आगे आते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है भुजा गुणे भुजा, इसका विकर्ण निकालना है भुजा कड़ी में 2, और अगर विकर्ण पता है क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण का स्क्वायर 2 कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका वर्ग। अब आते हैं वृत्त पे, वृत्त पे देख लेते हैं। वृत्त क्या होता है, ये वृत्त होता है, वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्या अनंत व्यास होते हैं, इसे ओ कहते हैं। दोनों प्रतियोग मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होकर जाती है तो व्यास, और केंद्र से होकर नहीं जाती उसे क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है, एक वृत्त के अंदर अनंत जीवा अनंत व्यास अनंत त्रिज्या होती है ठीक। और व्यास का जो आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, जैसे अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, बस कंफर्म है। अब आगे निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और जहां पाई का मान 2/7 रखते हैं, पाई दिए 2πr ठीक, ये हो गया क्लियर आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एकदम इजी है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यदि आपको उसका परिमाप ज्ञात करना होगा 2πr (1/2)(2r) कर देंगे, आपका निकल जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि ठीक, ये हो गया आपका ये। अब निकालना है जैसे किसी भी ये देखिए चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त बना है, तो जो ये मान लीजिए सॉरी आयत है, ये आयत के अंदर कोई वृत्त बना है, तो जो आयत सबसे छोटी भुजा होती है वही वृत्त का व्यास होता है, जो आयत सबसे छोटी भुजा होती है वही वृत्त का व्यास होता है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं,
अब योग या वृत्त, वृत्त में कौन से प्रश्न आते हैं? यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पे कोई लंबा डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। और ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय बन गया, ये वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त के पहले किसी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यह त्रिज्या हो गई या उसका आधा हो गया, ठीक यहाँ लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। और एक चीज, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, अर्धवृत्त बना कोण सदैव क्या होता है? समकोण होता है। जो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो सदैव क्या होता है? समकोण होता है। दूसरी बात, एक वृत्त को हम अगर दो टुकड़े में काट दिए तो ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया, लघु वृत्त खंड। तो जो दीर्घ वृत्त खंड में कोण बनता है वह सदैव न्यून कोण बनता है, ध्यान रखिएगा, 90 से छोटा। और जो अधिक कोण बनता है वह सदैव बृहद कोण बनता है, अधिक कोण बनता है। अधिक कोण क्या होता है? जिसका मान 90 से अधिक हो। दीर्घ वृत्त में ध्यान दीजिएगा, दीर्घ वृत्त में न्यून कोण और लघु वृत्त में अधिक कोण बनता है सदैव, और अर्धवृत्त में समकोण बनता है। और किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा में यदि केंद्र बना कोण, देखिए केंद्र बना कोण क्या होता है? अन्य बिंदुओं से बने कोण का दोगुना होता है। जैसे अगर ये 140 अंश का है तो कितना होगा? 70 अंश का। ये 70 140 है तो ये 70 होगा, माने केंद्र बना कोण अन्य बिंदुओं बना कोण का क्या होता है? दोगुना होता है। ठीक, समझ आ रहा है? चलिए ये भी हो गया आपका वृत्त खत्म। और आगे बढ़े, अब क्या आपका सिलेबस में? अच्छा, कोण त्रिभुज, आकृति, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा घन का नाप है। घन का नाप एकदम आसान है, घन का फॉर्मूला जान लीजिए, जो आयत का वही घन का है। घन का आयतन लंबाई बड़ी चौड़ाई बड़ी ऊंचाई, आयतन हो गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो 2 कोष्ठक में लंबाई बड़ी चौड़ाई प्लस लंबाई बड़ी ऊंचाई प्लस चौड़ाई बड़ी ऊंचाई, बस निकल गया। अब उसका विकर्ण ज्ञात करना है, माने 10 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 15 मीटर घनाभाकार कमरे में रखे जाने वाले बड़े से बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी, मतलब क्या निकालना है? विकर्ण। विकर्ण बराबर कोष्ठक में लंबाई इसका प्लस चौड़ाई इसका प्लस ऊंचाई स्क्वायर, जो निकलेगा वो आपका विकर्ण हो जाएगा। यह हो गया घन। घनाभ में आते हैं, घनाभ में क्या है? घनाभ का आयतन भुजा घाते 3, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 भुजा घाते 2, अच्छा भुजा घाते 2 6 ए स्क्वायर। फिर आते हैं उसका विकर्ण ज्ञात करते हैं, बस विकर्ण भी आसान है, तो भुजा कड़ी में 3, ये हो गया घन आयतन का घन का विकर्ण। तो ये हो गया घन घनाभ का फार्मूला। अब फार्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और आगे आते हैं धन रुपया पैसा। धन रुपया पैसा कैसे निकालते हैं? धन रुपया पैसा क्या है? 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, और 100 पैसे पे लेके जैसे एक पेन का मूल्य 1.30 रुपया है तो 12 पेन का मूल्य, और एक कापी इतने की है तो एक विद्यार्थी चाहे पढ़ने वाली वह एक दुकानदार सामान लेती तो कितना देगी, ये आप आसानी से कर लें, कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। और रुपए पैसा के बारे में बता दूं, इस समय जो प्रणाली चले दासी प्रणाली है रुपए पैसे का, 1 रुपया बराबर 100। पहले क्या था? 4 आना था, 4 आना बराबर 25 पैसा, 16 आना बराबर 1 रुपया था, 8 आना बराबर 50 पैसा और 12 आना बराबर 75 पैसा। लेकिन अब बदल दिया गया, 1957 में बदला गया, 64 से लागू हो गया। अब जो रुपए की चलती है हमारे देश में वह दासी प्रणाली चलती है, उसी को आपको पढ़ना है। एक बालक को आप कैसे रुपए से परिचित कराएंगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 10 मिनटों में भी पढ़ सकते हैं। अगला क्या आपका? अच्छा मानक समय, ये मानक वाला याद रखिएगा, ये होता है मिली सेंटी डेसीग्राम डेकाटो किलोग्राम, मैंने पैमाना पढ़ाया है उसी पैमाने पूरी थ्योरी आपकी लग जाएगी, और ये अगर याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। मिली सेंटी डेसीग्राम डेकाटो किलोग्राम यही है, जैसे मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी ये हो गया ग्राम, ये ग्राम हो गया, ये मीटर हो गया, ये हो गया लीटर, डेका हेक्टो किलो। देखिए मिली सेंटी डेसीग्राम डेकाटो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीमीटर डेकाटो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीलीटर डेकाटो किलोमीटर, माने जिस पैमाने पड़ेगी उसे चाहिए। ये कहानी आपको याद होना चाहिए, मिली सेंटी डेसीग्राम डेकाटो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीमीटर डेकाटो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेकाटो किलोमीटर। प्रत्येक पैमाना अपने नीचे पैमाने से 10 गुना बड़ा है, ऊपर वाला अपने नीचे वाले से 10 गुना छोटा है। जैसे 1 किलो है कितना? 10। 1 किलो में कितना डेका? 100। 1 किलो में कितना मीटर? 1000। 1 किलो में कितना डेसी? 10000। 1 किलो में कितना सेंटी? 1 लाख। माने जितना नीचे आएंगे उतना 10 गुना कम होता जाएगा और जितना ऊपर जाएंगे 10 गुना बढ़ता जाएगा। जैसे 1 डेसी कितना मीटर? 1-2 माने इकाई दाई सैकड़ा 100। वही गिनना शुरू कर देते, 1 मीटर में कितना सेंटी? इकाई दाई सैकड़ा 100। 1 डेका में कितना सेंटी? इकाई दाई सैकड़ा 1000। तो यही से नीचे आना शुरू हो जाइए। प्रत्येक पैमाना अपने बड़े ऊपर पैमाने से नीचे वाला 10 गुना छोटा होता है, ऊपर वाला नीचे वाले से 10 गुना बड़ा होता है। इजी एकदम। इसी पैमाना को अगर वर्ग मीटर कहेगा मीटर गुणे मीटर, घन कहेगा मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो यही
तरीका घट जाएगा तीन बार, वर्क कहेगा दो बार, आसानी से आप निकाल सकते हैं। और उसमें एक इंच बराबर कितना ही आपकी किताब में होगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा अपने फेसबुक पेज पे, ई लर्निंग पे दुर्गेश पे, अथवा टेलीग्राम पे, वहां पे मैं डाल दूंगा, आप जाके ले लीजिएगा। टेलीग्राम आप इंस्टॉल करिएगा, वहां सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहां पे आपको आएगा ई लर्निंग पे दुर्गेश, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा मैटर वहीं मिल जाएगा। और आगे आते हैं, अब अच्छा परिमिति आ गया, त्रिभुज आयत परिमाप, ये मैंने बता दिया आपको उसी समय। अब आया है कैलेंडर, कैलेंडर मैंने अपनी वीडियो पर बताई है, उसमें और आपको बता देता हूं। जैसे कैलेंडर में पूछा है, जैसे आज के दो दिन के बाद का दिन, इंक डाल दीजिए जरा, तो आज के दो दिन के बाद का दिन सोमवार हो तो बीते हुए कल कौन सा दिन था, या बीता हुआ कल कौन सा दिन था। जैसे आज के दो दिन बाद, आज हो गया कि दो दिन बाद, एक दो के बाद का दिन सोमवार था, मानिए इस दिन सोमवार था, तो आज के बीते हुए कल कौन सा दिन था। ध्यान दीजिएगा, आज के दो दिन बाद का अगला दिन सोमवार था, तो आज का विगत दिन या बीता हुआ दिन कौन सा दिन था। अगर सोमवार था तो यहाँ रवि, यहाँ शनि, यहाँ शुक्र, यहाँ पे हो गया बुधवार। तो यही लगाने का तरीका है, पहले आज तक आएंगे, आज के फिर बाद आएंगे। जैसे कह दिया, यदि आज 17 नवंबर को शनिवार था, 17 नवंबर 2018 को शनिवार था, तो फिर 17 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो कुल दिन निकाल लेंगे, मान लीजिए कुल दिनों की संख्या आ गई, जैसे 17 नवंबर है, 17 नवंबर 17 दिसंबर 30 दिन, फिर 17 दिसंबर से 17 जनवरी 31 दिन, तो कितना हो गया 30 और 31 61 दिन, 7 से भाग देंगे कितना बचेगा, 5 शेष आएगा। आज शनिवार है जोड़ देंगे, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार होगा, 17 जनवरी को बृहस्पतिवार होगा। क्या करेंगे, कुल दिनों को जोड़ देंगे, 7 से भाग देंगे, जितना शेष बचेगा उतना ही दिन के आगे बढ़ जाएंगे, अगला दिन प्राप्त हो जाएगा। चाहे 100 वर्ष को पूछे, चाहे 200 साल का पूछे, चाहे 300 साल का पूछे, या आप आसानी से निकाल सकते हैं। और लीप वर्ष ज्ञात करने का तरीका, जो 4 से विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष है, बाकी साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन, और जो लीप शताब्दी वर्ष होता है वह 400 से विभाजित होगा, जो वर्ष 400 से विभाजित हो जाएगा वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। और कैलेंडर हो गया, और हो गया आपका आंकड़ा, आंकड़ा क्या है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, एक ग्राफ दे देगा, ग्राफ को डिवाइड कर देगा परसेंटेज में, तो उसी परसेंटेज के आधार पे आपको निकाल के बता देंगे। फिर आगे क्या है, अच्छा रेलवे का समय सारणी से मैं आपको बता दूं, समय सारणी से बहुत कड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, और इसको जोड़ देगा समय सारणी से। जैसे यदि कोई बस आज 5:15 पे जैसे भी हो रहा है, 6:12 पे जौनपुर से वाराणसी के लिए चली, और यदि वाराणसी में 1.5 घंटे बाद पूछेगी या 2 घंटे बाद पूछेगी तो कितने वाराणसी पहुंचेगी, 2 घंटा जोड़ दीजिए, या बस की चाल दे देगा समय पूछ देगा, या कभी कभी रुक रुक के जाती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई बस 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ध्यान दीजिएगा, एक बस 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, और प्रत्येक 50 किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम या 20 मिनट का स्टॉप लेती है, तो बस यदि सायं 6 बजे गंतव्य नियत स्थान से चले तो गंतव्य पर कितने बजे पहुंचेगी। प्रश्न मैंने क्या कहा कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 600, चाल कितनी है 50, काट दिए तो 5 से कटेगा कितना 12, तो समय हो जाएगा 12 घंटे समय लगेगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि वह प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर 20 मिनट का विश्राम लेता है, दूरी कितनी है 600 किलोमीटर और 50 किलोमीटर में विश्राम लेता है, तो भाग देंगे तो 50 से भाग देंगे कितनी है 12 बार, किंतु अंतिम बार पहुंच जाएगा जब इस तरह के प्रश्न आएंगे -1 करेंगे, माने वह 11 बार विश्राम लेगा, कितनी बार 11 बार विश्राम लेगा, एक बार में 20 मिनट के विश्राम लेगा, 11 × 20 माने 220 मिनट का विश्राम लेगा, 220 मिनट को 60 से भाग देंगे जितनी बार जाएगा वो घंटा, जितना सेल बचेगा वो मिनट, 60 से भाग देंगे 3 बार जाएगा 40 सेल बचेगा, माने 3 घंटा 40 मिनट, तो 12 घंटा ये, 3 घंटा ये, तो 12 × 3 = 15 घंटा 40 मिनट। सायं 6 बजे रवाना हुआ था तो सुबह 6:12 हुआ, सुबह 6:12, फिर 2 घंटा 3 घंटा 40 मिनट, फिर कितना हो जाएगा 7:08 9:40 मिनट पे गंतव्य पर पहुंच जाएगा। ये हो गया आंकड़ों का प्रबंधन। फिर क्या है, अच्छा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण या निरूपीकरण, यही मैंने वीडियो में बताया, यदि आप देख लीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन एकदम इजी पूछे जाते हैं, जैसे ग्राफ बना दिया ऐसे,
जैसे ये ग्राफ बना लीजिए। ठीक, ये देखिए बल्ब का उत्पादन 17,000 है, ये बल्ब है, कोई बल्ब कंपनी है, बल्ब का उत्पादन 1000 में हिस्सा दे दिया। जैसे ये हो गया 1993, 94, 95, 96, 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
75 और ये है 85, ये हजार में। तो पूछेगा सबसे कम उत्पादन किस वर्ष हुआ, सबसे कम 1994 में, कितना हुआ 70,000। सबसे अधिक किस वर्ष हुआ 1995, 1995 कितना हुआ 85,000। उसके बाद सबसे कम अब सबका औसत उत्पादन क्या है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, औसत उत्पादन मतलब यही से प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा। इससे पूछेगा या तो ग्राफ बना के देगा या तो इस तरह से टाइमिंग बना के दे देगा, जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते समय स्कोरबोर्ड को देखते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का प्रस्तुतिकरण, यहाँ से प्रश्न हो गया। एक चैप्टर छूटा परसेंटेज और लाभ हानि, उसको मैं बता दे रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब एक जान लीजिएगा, कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, कितना होती है 100% होती है। अगर उसे बढ़ा दिया जाए 100 से ज्यादा, कम कर दिया 100 से कम, यदि कह दिया जाए कि किसी वस्तु पे पहले 20% बढ़ाया गया फिर 20% कम कर दिया गया, अब वस्तु मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। यूपी टेट में यही तरह के प्रश्न आते हैं। तो क्या करेंगे, माना पहले 100 था, कितना बढ़ाया गया 120 बढ़ाया गया, 120 बटा 100, फिर 20 कम किया गया 80 बटा 100, 100 से कैंसिल 0 कैंसिल 12 96, 100 से कम है ज्यादा, कम कितना कम 4% की कमी, बस कांसेप्ट क्लियर। कह दिया कि एक वस्तु का एक 360 रुपए की एक वस्तु में उसके मूल्य में पहले 20% की वृद्धि देकर दुकानदार 10% का छूट देता है, तो वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। सबसे सिंपल नियम, माना वस्तु 100 रुपए था मूल्य, 100 लिख दिया, कितना वृद्धि हुआ 120 बटा 100, छूट कितना दे रहा है 10% छूट मानी कमी 90 बटा 100, 100 से कम है ज्यादा, ज्यादा कितना ज्यादा 8% की वृद्धि, 360 की जरूरत नहीं पड़ी, 360 की जरूरत ही नहीं पड़ी, आराम से आप लगा लिए, बस एकदम आसान तरीका है। यदि किसी का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा 20% बढ़ गया तो 50 का गुणे 120 बटा 100 आसानी से उत्तर आ जाएगा। फिर परसेंटेज दे देगा, जैसे दे दिया कि 400 का 50% प्लस 300 का 20% बराबर मान होगा, कुछ नहीं करना है, इसका 50% निकाल 300% निकाल लो, जोड़ दीजिए जो होगा वो उत्तर होगा, या 0.4 का 20% होगा, इस तरह से क्वेश्चन लेगा। बस क्या करेंगे, काम मैंने बुरा जिस पद या अक्षर के बगल में परसेंट का चिन्ह लग जाए उसका बटा सदैव 100 लिखते हैं। अब आते हैं लाभ हानि। लाभ हानि क्या है, लाभ हानि में लाभ हानि एकदम सिंपल तरीका है लाभ हानि ज्ञात करने का, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है और लाभ हानि होता है। यदि कोई वस्तु मैंने 10 रुपए की लाके 12 रुपए बेच दी तो लाभ हुआ, 8 रुपए बेच दिया तो हानि हुआ। और एक होता है उपरिव्यय, मैंने 10 रुपए का सामान पेन खरीदा, 2 रुपए पे किराया लगाया, यदि 15 का बेचा कितना लाभ हुआ 3, तो जो उपरिव्यय होता है या अतिरिक्त खर्च होता है वो क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। तो बस एक प्रश्न इसमें सिंपल आता है कि एक सामान 500 रुपए की एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में बेचता है तो कितने परसेंट लाभ लिया, भाई 500 सामान 600 बेचा कितना लाभ हुआ 100 रुपया, कितने हुआ 500 क्रय मूल्य में, परसेंट के लिए गुणे 100 काट देंगे तो 20% का लाभ हुआ। परसेंटेज में भी आता है कि कोई वस्तु 500 बढ़कर 600 रुपए हो गए कितने परसेंट के मूल्य वृद्धि हुई, यही क्वेश्चन। या तो कह दिया कि एक रेडियो का दाम 2100 रुपया था, एक दुकानदार उसे 1995 में बेचता है, कितने परसेंट की हानि हुई, 2100 रुपए का रेडियो कितने में चल 1995 में कितने नुकसान हुआ 105 रुपए का, कितने हुआ 2100 में, परसेंट के लिए गुणे 100, लड्डू लड्डू से 2105, 5% की कमी हो गई, 5% की हानि हो गई, ये लाभ हानि का प्रश्न हो गया। अथवा और आगे बढ़ते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ की जगह 15% लाभ की जगह यदि वो उसे 20% लाभ पर बेचता है उसे 20 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जैसे जब वस्तु पहले 115 बेच रहा था तो नहीं पता कितने बेच रहा था, लेकिन जैसे उसे 120 में बेचता है उसे कितना रुपया अधिक मिलता है 20 रुपए, माने 5% बराबर 20 रुपया, 1% बराबर 20/5 कट गया और कुल पूछा 100 तो 5 और 20 400 रुपया, वस्तु का मूल्य कितना हो गया 400 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया। बस इस तरह से प्रश्न आपके आते हैं, ज्यादा कठिन प्रश्न है। छूट, छूट माने बट्टा, बट्टा माने छूट। जैसे एक दुकानदार एक वस्तु पर
₹10-20 का क्रमिक बट्टा देता है, ₹10-20, ₹20%, ₹10%, ₹30% के समतुल्य बट्टा का बट्टा के समतुल्य बट्टा होगा, बस इतना रहेगा, 10%, 20% और 30% का बट्टा के समतुल्य बट्टा होगा। बट्टा माने छूट, हमारा कुल 100 था, 10% बट्टा माने 90/100, 20% बट्टा माने 80/100 गुणे 3% बट्टा माने ये काट देंगे 100 कैंसिल, L2 कैंसिल, L2 से 9, 8, 72, 7, 14, 7, 49, 50, 50/10 माने 50.4, 100 से कम है, ज्यादा कम, कितना कम है, 49.6%, तो छूट कितने हुए, 49.6% का हुआ, बस ये हो गया, छूट पे निकल गया। तो ये आपका बट्टा का प्रस्ताव, एक दुकानदार 400 रुपए के सामान में 20 रुपए का 20% बट्टा देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य छूट, 400 रुपए का सामान 20% बट्टा दिया, मैंने 80 रुपया, सामान कितने बिका, 320 रुपए का, इस तरह से आप आसानी से आप निकाल लेंगे। तो ये था आज आपका, और यदि किसी वस्तु का ये मैंने पढ़ा भी नहीं था वीडियो में, मैं बता दे रहा हूँ, तो अगर ये आपको इतना समझ में आ गया होगा तो एक वीडियो में और बता दे रहा हूँ, एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो उनका लाभ प्रतिशत होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है उनका लाभ प्रतिशत होगा, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 4:5 माने 4 रुपए खरीद के 5 रुपए बेचता है, लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 4% के लिए गुणे 100 चार्ज कर दिया, अच्छी तो लाभ हो जाएगा 25%। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य अपने क्रय मूल्य का 3/4 है, 4/3 है, तो यदि वस्तु का लाभ या हानि याद कीजिए, बस इसी पे लगाएंगे तो लग जाएगा। जैसे दे दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 5:1 है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 5:1 है तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। जैसे क्रय मूल्य कितना है 5:1 माने क्रय मूल्य 5 है और लाभ 1 है, तो लाभ हुआ कितने में 5% के लिए गुणे 100 काट देंगे 20% आ गया। एक वस्तु के विक्रय मूल्य और एक वस्तु के विक्रय मूल्य हानि का अनुपात 9:10 है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात 10:1 है तो हानि प्रतिशत याद कीजिए, हानि कितने में हुआ, अभी ध्यान दीजिएगा, हानि 1 का है, विक्रय मूल्य 10, क्रय मूल्य कितना होगा 10 में से 1 गया 9, तो हानि हुआ 1 का कितने में 9% के लिए 100, तो कितना हो जाएगा ये आपका 9 रुपए की क्रय मूल्य, हाँ 1% के लिए गुणे 100 माने 100/9 माने 11 से 1/9% की हानि होगी। बस ये लाभ हानि का प्रश्न था और मैं पूरा आज प्रयास किया यूपीटेट की पूरी गणित मैंने आज एक ही वीडियो में लगभग आपके 52 मिनट की वीडियो में मैंने लगभग आपको पूरा बता दिया। आप पुश कर करके एक बार पूरी वीडियो देख लीजिएगा, यदि आपको कोई समस्या होती कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर आपको और जरूरत पड़ेगी मेरी तो मैं रात को 1 बजे लाइव आ जाऊंगा, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं लाइव आऊँ तो आप कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सभी को शेयर करिएगा, क्योंकि यह 1 घंटे की वीडियो में मैंने पूरा मैथमेटिक्स को समेट दिया है, आपने देखा भी होगा मैंने तेजी से पूरे मैथ पूरी गणित को यूपीटेट की पूरी गणित को मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है, और आपको बेहतर लगेगा तो आप सबको शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जरूरत होगी मैथ में तो आप कमेंट करिएगा, मैं 1 बजे रात को लाइव आ जाऊंगा, क्योंकि आपके करियर का सवाल है और मैं आपके साथ सदैव रहा हूं और रहूंगा, क्योंकि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है इसलिए मैंने अपना समय खुद ना पढ़ के मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, अब आपको जैसा बेहतर लगता है आप लोग पढ़िएगा और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक पुनः, और बेहतर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि गणित में सबसे ज्यादा आपको समस्या हो रही थी, मैं यह चाह रहा था कि गणित में समस्या ना हो, आप 30 में कम से कम 25 करके, और हाँ शिक्षण विधि आप पढ़ लीजिएगा, ये इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की है और ये सर्च करके देख लीजिएगा, बाकी आपका भाग्य जाने, आपकी मेहनत जाने, आपने जितना परिश्रम किया होगा उसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य किया, अब आपकी बारी है, अब आपको अपना दमखम अपने परीक्षा में कल सुबह दिखाना है 10 बजे से, और अभी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, 7 बजे तक लगभग वीडियो आपको मिल जाएंगी, और इसे पढ़ना 1 घंटे की वीडियो है, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, सारा मैथ आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिर भी आपको मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी, और आपको फिर से सारे क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन कोई भी छोड़िएगा मत, कोई भी क्वेश्चन ना आता रहे तब भी करिएगा, व्हाइटनर का प्रयोग मत करिएगा, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिएगा, समय से परीक्षा कक्ष में पहुंचिएगा, और फिर भी और मैं तो पढ़ लिया जो पढ़ना था, अब ऊपर वाले के दिन है, अगल बगल सहपाठियों की मदद करिएगा, क्योंकि हो सकता है 1 और 2 नंबर का अंतर जो होता है वही सबके लिए समस्या होती है, तो प्रयास करिएगा सबकी मदद करिएगा ताकि किसी का भी यूपीटेट ना उतने पाए और सभी साथी पास हो जाए, ताकि लिखित परीक्षा के लिए मैं 21 तारीख से नहीं बैच चलाऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे नोट्स जैसे सिलेबस आ जाएंगे आपको मेरे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।